नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं सिरसातेज.com। इस समय हम शहर के पोश इलाके हुड्डा सेक्टर में हैं और ये हुड्डा सेक्टर का थर्ड पार्ट है, जहां आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि पिछले काफ़ी सालों से ये हुड्डा विभाग की ओर से ये जो पानी है, जो सीवरेज का पानी है, डिस्पोज है, ये यहाँ खुले में डाला जा रहा था। और ये यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं, जिनका यहाँ निवास स्थान है, जो रहते हैं, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि इसकी जो बदबूदार पानी है उसकी दुर्गंध आसपास के जो है घरों में जा रही थी, जिससे काफ़ी परेशानी का उनको सामना करना पड़ रहा था। और अब मैं आपको बताऊं कि ये हुड्डा सेक्टर के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि हुड्डा विभाग ने अभी लाखों रुपए खर्च करके इस पानी को मोरीवाड़ा स्थित एक रंगोई नाले में डालने का प्रोजेक्ट है वो शुरू कर दिया है। और कुछ ही दिनों बाद ये पानी है ये यहाँ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये पानी यहाँ सूख जाएगा और जो नया है, जो पाइपलाइन डाली जा रही है, वो पानी हुड्डा का, जो सीवरेज का पानी है, वो मोरीवाड़ा के पास रंगोई नाले में डाला जाएगा। और इसलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं क्योंकि पहले भी हमने इस मामले को उठाया था, पहले सिरसा तेज में हुड्डा वेलफेयर एसोसिएशन ने भी हुड्डा विभाग के जो है अधिकारियों के सामने ये मामला रखा, SDM तक मिले लोग, और उसके बाद विभाग हरकत में आया और ये पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है वो मंजूर किया। हुड्डा फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है, तीनों का वो पानी है रंगोई नाले में डाल दिया जाएगा। हम आपको ये बताएं कि जो यहाँ के जो लोग हैं, जहाँ यहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है पिछले काफ़ी दिनों से, तो उन लोगों ने भी हुड्डा विभाग के पास ये मांग की थी, क्योंकि बदबूदार पानी है जिस वजह से उनका घरों में रहना मुश्किल हो गया था। और लगातार यहाँ के जो रेट्स हैं थर्ड पार्ट के, लोगों ने काफ़ी प्लाट यहाँ सरेंडर कर दिए थे और काफ़ी जो प्लाट्स के रेट हैं वो काफ़ी डाउन चले गए थे, क्योंकि कोई भी यहाँ आना नहीं चाहता था, सबकी यही दिक्कत थी, परेशान होते हैं। अब ये हुड्डा विभाग को ये परेशानी, हुड्डा के जो रहने वाले जो लोग हैं उनको ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, हम आपको ये बता रहे हैं। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए सिरसा तेज के लिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। शुक्रिया।